आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं, कल से हम उसकी काफी ज्यादा सजेशन मिल रही है, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही। और वीडियो में टाइटल बताएंगे मौजा। टाइटल है थर्ड वेव ऑफ कोरोना, 2DG ड्रग ऑफ DRDO, कोरोना वैक्सीन कोरोना पिक, रिप्लाई टू सोनू निगम सर। वेल, देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो कर इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक, शेयर कर, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। जय हिंद। देखिए, DRDO ने जो अभी कोरोना के लिए दवा बनाई है, ये दवा कहां तक कारगर है और सेकेंड वेव कब कम पड़ेगा और थर्ड वेव कब आएगा और ये ट्रिपल म्यूटेंट क्या है और ये यूनिवर्सल वैक्सीन क्या है जो हर तरह के कोरोना पे काम करेगी, इसको अब समझते हैं। देखिए, DRDO बहुत साल पहले से कैंसर पर काम कर रहा था। उसने एक दवा बनाई थी जिसे शॉर्टकट में, जिस दवा को हम लोग 2DG कहते हैं, इसका पूरा नाम होता है 2-dioxy-D-glucose। ये दवा क्या करती है कि शरीर में जो इन्फेक्टेड कोशिकाएं हो जाती हैं, जिन कोशिका में कोई बीमारी लग गई है, ये क्या करता है, उन कोशिका का ग्लूकोज सप्लाई बंद कर देता है, उस कोशिकाओं को, उस सेल को ग्लूकोज मिलने ही नहीं देता है, जिस वजह से वह सेल खुद ही डैमेज होकर मरने लगता है। यहां आप देखिएगा कि यहां पर ये ग्रीन कलर की जो सेल है वो हमारी अच्छी सेल है और जो उसमें रेड कलर की है वो वैसी सेल है जो इन्फेक्ट होकर अब मर रही है, डाइंग सेल है। तो ये क्या करता है, 2DG यानी 2-dioxy-D-glucose जो DRDO ने बनाया है, ये इस डाइंग सेल का जो इन्फेक्टेड सेल है ग्लूकोज बंद कर देगा, तो आने वाले कुछ वक्त में वो खुद ही वो कोशिकाएं मर जाएंगी और हमें एक फ्रेश कोशिका मिल जाएगी। ये DRDO की ओर से जारी किया गया है कि ऐसा शरीर जिसमें कोरोना था और फिर उसको जब हम लोगों ने 2DG दिया तो इसमें बहुत कम ही कोरोना बच गया। देखिए, ये दवा आपको कोरोना का इलाज पहली बात नहीं करता है, लेकिन आपको वेंटिलेटर और ऑक्सीजन डिमांड पर जाने नहीं देता है, इसलिए शुरू ही किया गया है कि न्यू DRDO ड्रग टू बी कट ऑक्सीजन डिपेंडेंसी। ये आपको ऑक्सीजन डिपेंडेंसी नहीं होने देगा, ये आपको होम आइसोलेशन या नॉर्मल बेड हॉस्पिटल तक ही जाकर आपको वापस रिकवर कराने में मदद करेगा। DRDO इसको पिछले साल से ही ट्राई कर रहा था, 2020 से। ऐसा नहीं है कि ये जल्दबाजी में लाया गया है। DRDO चूंकि सेना के लिए काम करती है, इसलिए इसके हर चीज को गुप्त रखा जाता है, अचानक होने के बाद ही इसको प्रकाशित किया जाता है। DRDO और भारत की प्रतिष्ठित कंपनी डॉक्टर रेड्डी द्वारा इसे मिलकर बनाया जा रहा है। यह दोनों देश के निर्माण में काफी अग्रिम भूमिका निभाती है। देश में कोरोना की जो जांच में लेट लतीफी हो रही है, इससे और भी वो वायरस फैल रहा है, क्योंकि रिपोर्ट जब तक नहीं आ रही है वो इंसान खुलेआम घूम रहा है छुट्टा सांड की तरह और दूसरे को कोरोना बांट रहा है। इसको देखते हुए हमारे यहाँ जो 8 से 24 घंटे लग जाते थे RT-PCR रिजल्ट आते आते, इसलिए DRDO ने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया जिसका नाम है आत्मन। आत्मन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें अगर आप किसी कोरोना पीड़ित के चेस्ट का एक्सरे देंगे तो ये एक्सरे को देखकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वो पता कर लेगा कि इसके चेस्ट में कोरोना इन्फेक्टेड है या नहीं है। और आपको भी पता है एक्सरे का रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाता है, 1 से 1.5 घंटे में आपको एक्सरे का रिपोर्ट कहीं भी आपको नॉर्मली दे देते हैं लोग। तो एक्सरे के मदद से डॉक्टर आराम से जान सकता है कि आपको कोरोना है या नहीं, इससे आप RT-PCR वाला झमेला में नहीं पचेंगे। और दूसरा जो CT स्कैन है, इस CT स्कैन में कई बार ऐसा भी हो गया है कि CT स्कैन के रिपोर्ट पर आप टोटली नहीं जा सकते, क्योंकि CT स्कैन बस ये बताता है कि आपके फेफड़े में कितना इन्फेक्शन है। जरूरी नहीं है कि आपके फेफड़े में ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका है तो आप ठीक नहीं हो सकते, रिकवर नहीं हो सकते। इस पे एम्स के डायरेक्टर ने भी इस पे कहा था कि हमें पूरी तरह से सीटी स्कैन के रिपोर्ट पर आश्रित नहीं रहना चाहिए, तो ये तो टाइम बचाएगा। दूसरा, हमारे जो देश के बड़े उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी जी, इन्होंने क्या किया, इसराइल की एक कंपनी से समझौता किया और यह कंपनी क्या करती है, क्विक ब्रेथ टेस्ट करती है। क्विक ब्रेथ टेस्ट मतलब सांस से ही पता कर लेती है कि आपके सांस में कोरोना वायरस है या नहीं है। इससे केवल 10 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि आपको कोरोना है या नहीं है। आपको ही पता होगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया जो है कोरोना को तो हरा दिए, लेकिन क्योंकि ये देश भी बड़े हैं और आबादी भी कम है, लेकिन इसराइल एक बहुत ही छोटा देश है और काफी पैक्ड है और टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे है। तो इसराइल ने अपने हर एक लोगों को जांच इसी टेक्नोलॉजी से किया था। इसमें ब्रेथ के माध्यम से आपके सांस को लिया जाता है और जैसे आप इसमें सांस छोड़ते हैं, जिस तरह से आप शराब पिए हैं या नहीं पिए हैं, ट्रैफिक पुलिस आपके सांस से जो भाप निकलती है उससे बता देता है कि आप ड्रिंक किए हैं कि नहीं, उसी तरह ये 10 सेकंड में आपको बता देगा कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या नहीं है। इस बीच जो कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट था वो भी भारत में पांव पसार रहा था, लेकिन जब जीनोम सीक्वेंसिंग की गई तो जीनोम सीक्वेंसिंग में ये पाया गया कि जो ट्रिपल म्यूटेंट है ना, ये म्यूटेंट होकर अपना एक नया स्वरूप लिया है, लेकिन ये स्वरूप लेने के चक्कर में खुद को कमजोर कर लिया है। जो ट्रिपल म्यूटेंट है वो इतना कमजोर है कि वो पहले वाले म्यूटेंट इतना भी घातक नहीं है और वैज्ञानिकों ने कहा है कि ट्रिपल म्यूटेंट खुद ही मर रहा है। अब बहुत ज्यादा सिंपल ट्रिपल म्यूटेंट के देखने को नहीं मिल रहा है, जो इस बात के संकेत है कि ट्रिपल म्यूटेंट ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो ज्यादा पांव
नहीं पसार पा रहा है, क्योंकि जीनोम सीक्वेंसिंग में डबल म्यूटेंट ही भारत में ज्यादा तबाही मचा रहा है, जिस वजह से हमारे जो कोरोना के जो ग्राफ गए थे वो 4 लाख के पार चले गए थे। तो ट्रिपल म्यूटेंट से फिलहाल हम लोग को खतरा की कोई बात नहीं है, लेकिन आगे हो सकता है अगर लापरवाही बढ़ती जाए तो, क्योंकि आगे भी इसमें म्यूटेशन यानी इसके स्वरूप बदलते रहते हैं। जैसे पहले हम लोग आदि मानव थे, बंदर थे, चिंपैंजी, फिर धीरे धीरे हम लोग में म्यूटेशन हुआ और धीरे धीरे हम मानव होकर अपडेट हो गए। वैसे ही जब किसी जीव की संख्या करोड़ों करोड़ों होती है तो उसमें एक दो तीन चीजें हल्की चेंज हो जाती है, इसी को कहते हैं म्यूटेशन। जैसे आप अपना ही साइन करते हैं, आप 100 बार साइन कीजिएगा तो जो पहला साइन है और जो 100 नंबर पे साइन किया उसमें चेंजिंग आ जाएगी, तो पहले की तुलना में जो 100 बार साइन किया उसमें हल्का सा म्यूटेट हो जाएगा, तो उसी को कहेंगे म्यूटेशन हो गया। आप अपना ही सिग्नेचर आप क्या कीजिए 1000 बार मारिए, देखिए उसमें कई जगह आपको म्यूटेशन यानी चेंजिंग दिखेगी। तो किसी भी चीज में बहुत जल्दी जल्दी अगर रेप्लिकेशन होता है तो उसमें म्यूटेशन और ज्यादा देखा जाता है। म्यूटेशन एक नॉर्मल चीज है, हमारे शरीर में भी म्यूटेशन होते रहता है, नॉर्मल चीज है यहाँ पे। अब रही बात सेकंड जो डबल म्यूटेशन था जो भारत में तबाही मचाया जिससे सेकंड वेव आया था, तो सेकंड वेव जो है अब धीरे धीरे अपने सेचुरेशन पॉइंट पे आ गया है। हम शुरू से कह रहे थे आपको कि सेकंड वेव जो है वो 15 से 20 मई के बीच में आपका आराम से मतलब यहां तक सेचुरेट हो जाएगा। अब देखेंगे कि अब जो हमारा जो केस था 4 लाख के क्रॉस कर रहा था, अब 3,90,000 के इर्द गिर्द रह रहा है, और ये 15 से 20 मई आते आते हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ये लोग जो है वो सेकंड वेव के पीक तक पहुंच चुके हैं, अब ये लोग डिक्लाइन करेंगे। लेकिन अफसोस की बात ये है कि महाराष्ट्र, दिल्ली के जिन जगहों पे कोरोना था वो तो डाउन हो रहा है, लेकिन कई नए ऐसे जगह हैं जहां कोरोना नहीं था वहां से भी मरीज अब मिलने लगे हैं। तो सेकंड वेव का पीक लगभग हम पीक के पास पहुंच रहे हैं। सब लोग के लिए यही एक समय सबसे क्रूशियल है, क्योंकि इस समय जो पकड़ाएगा पीक पर कोरोना उनको एकदम पीक पे पहुंचा देगा, कोरोना एकदम ऊपर पहुंचा देगा, क्योंकि नाव हमेशा किनारे पे डूबती है। अब पूरे देशवासी लोग कंट्रोल कर लिए, 15 से 20 मई का ये नाव हमारा किनारे पे आ गया, यहां जो पकड़ाएंगे उनकी नैया टाइटेनिक की तरह डूब जाएगी। कुछ लोग का कहना है कि कोरोना कभी जाएगा ही नहीं, ऐसा बात नहीं है। देखिए थर्ड वेव जरूर आएगा, लेकिन इतिहास से सीखिए कि किसी भी बीमारी का, चाहे वो स्पेनिश फ्लू हो, सबसे खतरनाक होता है सेकंड वेव, उसके बाद फर्स्ट वेव। तो हम लोग फर्स्ट वेव झेल चुके हैं, सेकंड वेव झेल रहे हैं, थर्ड वेव खतरनाक नहीं होता है। अब भारत में भी कोरोना का थर्ड वेव उतना खतरनाक नहीं होगा जो अक्टूबर या सितंबर के महीने में आएगा। हम लोग सितंबर से अक्टूबर के राउंड द फिगर हम लोग थर्ड वेव को देखेंगे, लेकिन उस वक्त तक हम थर्ड वेव पर काबू पा चुके रहेंगे, क्योंकि जब तक थर्ड वेव आएगा हमारी कुल जनसंख्या का 15% लगभग जनसंख्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोरोना से जंग जीत चुकी रहेगी। हम बहुत से ऐसे लोग हैं जो कोरोना से कोरोना हुआ ठीक भी हो गया उन्हें पता भी नहीं चला, तो 15% तो ऐसे लोग हैं जो कोरोना से लड़ चुके रहेंगे, और 15% जो बच्चे हैं किसी भी वैक्सीन की जरूरत नहीं है। और अक्टूबर का महीना आते आते हम लोग अपने लगभग 40% जनसंख्या को वैक्सीनेट कर चुके रहेंगे। तो इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उस समय तक हमारी 70% जो आबादी रहेगी अक्टूबर के महीने में वो कोरोना से सेफ हो चुकी रहेगी, उन्हें डेथ थ्रेट नहीं रहेगा कि वो मर जाएंगे। केवल 30% ही लोग हैं जिन पर खतरा मंडर आएगा, तो 30% लोगों को लिए उस समय तक अवेलेबल बेड रहेंगे, ऑक्सीजन की किल्लत नहीं आएगी, वहां वेंटिलेटर की कमी नहीं है रहेगी, उस समय तक वीराफीन दवा शायद सक्सेस हो जाए या नेजल एक्सप्रे सक्सेस हो जाए, उस समय तक डेक्सामेथासोन जैसी दवाइयां हो गई या रेमडेसिविर हो गए, जो इस तरह की कालाबाजारी है, जब हमको पूरी जनसंख्या को देना है तब ना घट जा रहा है, उस समय तक बस 30% ही रहेंगे, और गवर्नमेंट वैक्सीनेशन तेज करेगी तो यह भी संख्या बहुत घट जाएगा। तो थर्ड वेव से किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, अभी हमारी 70% जनसंख्या जो है वो इस कोरोना के डर में है, लेकिन थर्ड वेव में केवल 30% लोग रहेंगे, और उस समय तक भी हम लोग पूरी तरह से कोरोना से बहुत जागरूक हो चुके रहेंगे। देखिए कोरोना जो है ये एक कई खानदानी मतलब इंसानों का एक बहुत बड़ा खानदान है, एक दो तो नहीं है, ये मतलब कोरोना एक फैमिली है, इसके अलग अलग टाइप पाए जाते हैं, जिसमें से एक टाइप है हम लोग का SARS-CoV-2, ये एक टाइप है, बाकी इंसानों का बहुत बड़ा खानदान है, इस तरह से बहुत बड़ा बीमारी पैदा करता है। इसलिए दुनिया के वैज्ञानिकों ने एक यूनिवर्सल वैक्सीन बनाने पर एकमत हुए हैं जो इनके पूरे खानदान पर हमला कर सके, ऐसा एंटीबॉडी डेवलप कर सके जो कोरोना के खानदान का कोई भी हो, चाहे वो SARS हो, चाहे वो MERS हो, या कोरोना की फैमिली का कोई भी उसे मार सके, उसी के लिए यूनिवर्सल वैक्सीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और जब ये आएगा तो हम लोग एक बहुत बड़े बीमारियों के ग्रुप से निजात पा जाएंगे। वर्तमान कोरोना पे भी नए नए रिसर्च हो रहे हैं, अभी रूस ने स्पुतनिक जो सबसे दुनिया में पहली वैक्सीन बनाई थी उसी का स्पुतनिक लाइट बनाया है, जो सिंगल
डोज पे ही काम कर जाता है। ये सिंगल डोज वैक्सीन जो है ये लगभग 70% 60-70% तक कारगर है। ये बहुत बेहतरीन है क्योंकि एक डोज से आपको बहुत अच्छी इम्यूनिटी मिल जाती है और इससे बहुत तेजी से लोगों को वैक्सीनेट करके सुरक्षित किया जा सकता है। अब देखिए, कुछ लोग का कहना है कि रूसी वैक्सीन बहुत अच्छी बहुत जल्दी काम करती है, ऐसा नहीं, आप भ्रम में पल रहे हैं। देखिए, रूसी वैक्सीन जो है उसमें एक से दूसरे डोज में भले 21 दिन का गैप रहता है लेकिन वो काम करना चालू करती है दूसरे डोज लगने के 21 दिन बाद, यानी टोटल कितना दिन ले रहा है आपको 42 दिन। वही भारत में जो बनी हुई कोवैक्सीन है उसको देखेंगे तो 28 दिन के गैप पर लगाया जाता है और 14 दिन के बाद आपको वो काम करना चालू कर देती है। तो 28 और 14 देखेंगे तो ये भी 42 दिन ही काम कर रही है, तो दोनों तो सेम काम कर रहे हैं। तो ये हल्ला किसने उड़ा दिया कि हमारी वैक्सीन अच्छी नहीं है, एकदम एक्यूरेट है। ये 91% एफिकेसी देती है, ये 82% देती है, बहुत काम तो नहीं है, हम बहुत सेफ हो जाते हैं क्योंकि दोनों 100% नहीं देते हैं। दोनों का काम है आपको मरने से बचाने का काम है। और रही बात कोविशील्ड की, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है, इसमें ज्यादा टाइम लगती है। देखिए, इसमें 56 दिन पे तो अंतराल पे लगना चाहिए, उसके बाद 56वां दिन पे जब दूसरा डोज लेंगे तो उसके 14 दिन बाद काम करेगा, यानी लगभग ये 70 दिन का टाइम ले लेता है और 81% आपको एफिकेसी देता है। इस हिसाब से देखेंगे तो सबसे बेस्ट हम लोग को तो खुद की वैक्सीन लग रही है जिसपे किसी भी तरह का पेटेंट या विदेशी दबाव नहीं है। इस समय कोरोना का कंट्रोल करने का एक रास्ता है कि इसराइल के मॉडल पर पूरी जनसंख्या का वैक्सीनेशन करना। इसके लिए तभी संभव है जब पूरी दुनिया के वैक्सीन भारत में अवेलेबल हो। दुनिया में फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, नोवा मॉडर्ना है, नोवावैक्स है, स्पुतनिक है, चाइना का जो सीनोवैक्स है उसको छोड़िए, फालतू है, सोच रहा हूँ हजमोला बराबर है, उसको हटा देते हैं, तो इतनी वैक्सीन है। तो भारत सरकार कह रही है कि हम फाइजर को ला ही नहीं सकते हैं, उतना हमारे पास कोल्ड चेन नहीं है। अरे भाई साहब, आपको कौन कह रहा है कोल्ड चेन लगाने के लिए? हम लोग दुनिया का सबसे महंगा आईफोन खरीद सकते हैं ना। भारत सरकार को परमिशन देना चाहिए कि फाइजर, मॉडर्ना, नोवावैक्स, जॉनसन एंड जॉनसन, आप लोग भी भारत में आइए, अपना क्लिनिक डालिए, अपना वैक्सीनेशन सेंटर डालिए। आप कैसे वैक्सीन को ठंडा करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है। आपको लोग पैसा देके और वैक्सीन लगवाएंगे। हद देखिए, हम बताइए, हम जब अपनी वैक्सीन लगाएं तो उस समय हमको बड़ा अफसोस लगा कि हम दूसरे का हक मार रहे हैं, क्योंकि हम सक्षम है वैक्सीन को खरीद कर लगवाने में और वहां हम वही लाइन लगाएं जहां इस देश का एक गरीब लोग जिसको वैक्सीन की ज्यादा जरूरत थी वो लोग भी वहीं लगाएं। बताइए, मजबूर कर दिया गया, क्या हम वैक्सीन खरीदने में सक्षम नहीं है? इस देश के 20% ऐसे लोग हैं जिन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है कि वैक्सीन 2 रुपए में मिल रहा है कि 10,000 में मिल रहा है, वो लगवा लेंगे। यहां लोग 2-2 करोड़ की गाड़ी में से उतर कर वैक्सीन लगवा रहे हैं फ्री में। ये गवर्नमेंट उन्हें मजबूर कर रही है कि हम गरीबों का हक अपने में ले लें, ये नहीं होना चाहिए। आप यूटिलाइज कीजिए, आप बताइए, हम प्राइवेट कंपनियों को अगर नहीं उतारेंगे तो कभी भी इतना जल्दी वैक्सीनेशन नहीं कर सकते। अगर सरकार पिज्जा को ऑर्डर करेगी ना तो अगले दिन पिज्जा डिलीवरी होगा। जब डोमिनोज 30 घंटा में गर्म पिज्जा पहुंचा सकता है तो हमारे देश की प्राइवेट कंपनियां ठंडी वैक्सीन को भी पहुंचा सकती हैं, बस आप उन्हें लाने दीजिए। अगर ये लाएंगे तो देश की लगभग 20% लोग प्राइवेट कंपनियों से लेंगे, जिसका मन वो फाइजर ले, जिसका मन वो मॉडर्ना ले, जिसका मन, क्या इससे हम वैक्सीनेशन तेजी से कर सकेंगे? गरीब का भी अमीर का भी बोझ सरकार कैसे झेल सकती है? गरीब को तो मतलब उनको मिलना जरूरी है वहां पर, तो वो फ्री में आप दीजिए ना यहां पर। और दूसरी समस्या क्या है कि ये वैक्सीन को हम नहीं बना सकते क्योंकि इन पर पेटेंट है। पेटेंट उनको होता है जो 20 साल तक वही कंपनी बनाएगी, क्योंकि खोज वैज्ञानिक वही किया है तो उन्हें भी मुनाफा होना चाहिए। लेकिन इसमें भी एक गलती क्या किया जा रहा है, एक तो इन्हें प्राइवेट से लाने नहीं दिया जा रहा है, उसके बाद जो हमारी अपनी वैक्सीन है कोवैक्सीन, ये बहुत बेहतरीन है और हमारे पास 3,000 वैक्सीन बनाने के कारखाने हैं, इनमें ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है कोवैक्सीन को, जबकि ये हर तरह के म्यूटेंट पर काम करने को रेडी है। अगर हम कोवैक्सीन का उत्पादन करने लगे तो 10 करोड़ डोज पर मंथ कोविशील्ड और 10 करोड़ पर मंथ कोवैक्सीन बनाएंगे तो 20 करोड़ हो जाएगा। और विदेशी कंपनियों को भी कहेंगे कि तुम आके यहां वैक्सीन दो, तो हर महीने हम 30 करोड़ जनसंख्या को वैक्सीनेट कर सकते हैं। आज से अब तक 20 करोड़ वैक्सीन लगाया गया है और अगर देखेंगे तो 120 करोड़, मतलब ओवरऑल 100 करोड़ जनसंख्या बच रही है, 3 महीने में हम उन्हें वैक्सीनेट कर सकते हैं। हालांकि दुनिया इस वैक्सीन पर पेटेंट को मतलब हटाने की बात कर रही है। पेटेंट क्या चीज है, ये WTO के ट्रिप्स समिट में क्या है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे। वैक्सीनेशन में भी एक बहुत बड़ी गलती क्या हो रही है, देखिए, गांव तक कोरोना कैसे पहुंचा, बड़े शहरों से पहुंचा, दिल्ली से लोग कोरोना गांव में ले गए, मुंबई से ले गए, लखनऊ से ले गए, भोपाल से गए, पटना से, ये बड़े बड़े शहर से, बेंगलोर, अहमदाबाद, ये सब बड़े बड़े शहरों से कोरोना आ गया। आप जरा सोचिए, अगर इंडिया चाइना में वार हो जाता है तो हम किस शहर को बचाएंगे? पहले बड़े बड़े शहरों को बचाएंगे क्योंकि बड़े शहर में इंडस्ट्रीज होते हैं, मेडिकल सुविधाएं होती हैं, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की हो, वेंटिलेटर की फैक्ट्रीज होती हैं, उन्हें बचाना जरूरी है। वहां वर्कर्स ज्यादा आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, गांव का भी वैक्सीनेशन उसी रफ्तार से, शहर का भी वैक्सीनेशन उसी रफ्तार से। अरे भाई साहब, वैक्सीनेशन के लिए जरूरी है कि जैसे
दिल्ली है, इस दिल्ली को क्या कीजिए, एक हफ्ते का टारगेट रखिए कि वैक्सीनेशन करना है। प्राइवेट कंपनियों को उतारिए, दिल्ली गवर्नमेंट को उतारिए, कुछ प्राइवेट लोगों को उतारिए, एनजीओ को, ट्रस्ट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एक कंप्लीट 7 दिन का एक प्रोसेस रखिए एक सेमी लॉकडाउन की तरफ, और दिल्ली को, मुंबई को, ये सबको एक टारगेट की तरह रखिए कि हमको पहले इन्हें वैक्सीनेट करना है, क्योंकि यहीं से लोग गाँव जाएंगे और कोरोना को फैलाएंगे। आप बताइए जितने गाँव के लोगों को कोरोना हुआ है, क्या गाँव से कोरोना आया था? शहर से ही तो लेके गए थे लोग, लेकिन शहरों में वही रफ्तार है। अगर हम अपने शहरों में कोरोना को काबू कर लेंगे तो शहरों में हमारी इकोनॉमी भी चलती रहेगी, बड़े शहरों में ही उद्योग धंधे चलते रहेंगे और वहां गांव तक कोरोना नहीं फैलेगा। गांव में वैक्सीनेशन जो है वो थोड़ा मतलब उसकी तुलना में शहरों का वैक्सीनेशन तेज होना चाहिए। थैंक्स कहना चाहते हैं हम सोनू निगम जी को, जो आप हमसे हर मायने में बड़े हैं, हमसे नेम फेम, हमसे उम्र में, तजुर्बे में, हर चीज़ में बड़े हैं। बावजूद आपकी जो भाषा है, जो आपका संस्कार है, ये देख के काफ़ी खुशी होती है कि ये केवल हिंदुस्तान में ही पॉसिबल है। हमारी जो संस्कृति है, जो एक दूसरे के प्रति आदर की भावना है, आपको देख के पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मतलब अगर कोई विदेश चला जाए भारत को छोड़ के, तो बेशक वह पैसे कमा सकता है, बहुत आगे जा सकता है, लेकिन जो एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, जो भाषा की मर्यादा, जो संस्कार है, वो केवल यही मिल सकता है। इसीलिए हमारी संस्कृति सबसे अलग मानी जाती है। हम आपसे उम्र में क्या बताएं, आप आधे हैं, आपने सही बोला, हम आपसे उम्र में बहुत छोटे हैं, बट फिर भी आपका अपने छोटों के प्रति ये जो प्रेम की भाव है, शायद ये मिसाल बने लोगों के लिए। बहुत बहुत आपका थैंक्स। आपका गाना सुन के हम लोग, मेरी पूरी फैमिली के साथ हम लोग सुनते थे उस गाने को, हम कभी सोचे नहीं थे कि आप हमें भी जानेंगे। आप कभी पटना आए तो ज़रूर एक बार मौका दें हमें, हम ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। और ज़रूरी भी है, हम ये जो 21वीं सदी है, ये हम लोग को बदलना है अपनी विचारों से। हम जहाँ हैं लॉकडाउन में, आपने भी बहुत कुछ लोगों को सिखाया, चाहे वो संगीत के माध्यम से हो, अपने YouTube के माध्यम से आपने बहुत लोगों को सिखाया। तो ये 21वीं सदी, हमें सबको मिलकर इस देश को बदलना है। आपका बहुत बहुत थैंक्स सोनू निगम जी। हम उम्मीद करते हैं आप तक ये बात मेरी पहुंचेगी और हम लोग शायद जरूर मिले, मेरा एक सपना रहेगा आपसे मिलना। एक बंदा है जिसको आप लोग सुनो और देखो, मैं तो उसके प्यार में पड़ गया हूँ, वो है खान सर। ओ माय गॉड, उस आदमी को तो पद्मश्री मिलना चाहिए जल्दी। दिस इज 26-27 ईयर ओल्ड बॉय आई वुड से, एंड व्हाट अ वंडरफुल टीचर ही इज। उनको तो मैंने भी अपना गुरु मान लिया है, कितनी बातें सीखा हूँ उनसे। तो अगर आपको मौका मिले तो खान सर के पास जरूर जाना। ही वो इतनी बड़ी बड़ी बातों को इतनी अच्छी तरह सिखाता है, जैसे सिखाते हैं, है तो मुझसे बहुत छोटा, मेरे से आधी उम्र का है ऑलमोस्ट, लेकिन मैं क्योंकि उतना अच्छा टीचर है तो मैं उनको इज्जत से ही कहूँगा कि वो इतना अच्छा सिखाते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, और उनका नज़रिया इतना निष्पक्ष है, वो ना लेफ्ट है ना राइट है। ये बात मुझे पसंद है उनकी, जहाँ गवर्नमेंट की बुराई करनी होती है वहाँ करते भी हैं, और जहाँ गवर्नमेंट का साथ देना होता है वहाँ भी साथ देते हैं। सो ये निष्पक्ष है एंड आई लव हिम। सो अगर खान सर आप इसे देख रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत दुआएँ और बहुत बहुत प्यार। कीप अप द गुड वर्क एंड आई लव यू वेरी मच। मैं फिर आपकी और आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब में देख देख के आपसे और बहुत सारी बातें सीखना चाहता हूँ। God bless everyone and please check out Khan sir. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जय। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेडिसिन की, जो 2DG हमने देखी थी उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लास्ट टाइम भी नजर आया था यही और अब भी नजर आया, वो यही है कि एक बंदा जिसे कोरोना हो जाता है उसे वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती, वैक्सीनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके जो जो कोरोना है उसको डायग्नोज करने के लिए, उसकी शिद्दत को कम करने के लिए मेडिसिन बहुत ज्यादा कारामद रहेगी। वेल, मैं ये कहूंगी कि जब हम लोगों ने प्रशांत सर की वीडियो में इस टॉपिक को देखा था तो तब भी मतलब बड़ा हम लोगों को अच्छा लगा था, और उन्होंने काफी अच्छे तरीके से समझाया था उसमें कि कितना असर होता है कितना नहीं, और ये सारी चीजें बताई थी। लेकिन इसमें जो आज हम लोगों ने वीडियो, इसमें थोड़ा और खान सर ने इलैबोरेट किया है कि एक पूरी फैमिली है कोरोना की, और इस तरीके से, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था इसके बारे में कि एक पूरी इनकी एक फैमिली चल रही है और किस तरीके से एक यूनिवर्सल वैक्सीन भी तैयार की जा रही है ताकि इन सब चीजों को खत्म किया जा सके। और अगर ये जो फैमिली की बात करिए, अभी से नहीं
नहीं चाह रही, जो हमने जो जो है खान सर ने हमें डायग्राम दिखाए 1960 के दशक से ये जो है चलती है, आ रही है, तो इनकी काफी लंबे अरसे से, लेकिन हम लोगों ने कभी फील ही नहीं किया, क्योंकि हम लोगों का मोस्टली क्या है कि जब थोड़ा मौसम चेंज होता है हम लोग कहते हैं मोस्टली बीमारी, खांसी मौसम खराब होने की वजह से लगी है, बीमार मौसम वो जो है चेंज होने की वजह से, सब उस पर हम डाल देते हैं, लेकिन बेसिकली हमें खुद भी नहीं पता था। लेकिन अब इसका तोड़ निकालने के लिए जो एक यूनिवर्सल वैक्सीन बनाई जा रही है वो भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बेशक वो जिस देश की तरफ से भी लिया जा रहा है या अगर 5-6 देश जो है मिलकर इसमें कोलैबोरेट कर रहे हैं तो नो डाउट ये एक बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, और इसके अलावा मुझे जिस चीज की सबसे ज्यादा खुशी हुई है इस पूरी वीडियो में वो ये कि जो थर्ड वेव है वो बहुत वीक होगा और वो इस तरीके से मतलब स्ट्रांगली अटैक नहीं कर पाएगा, वो अपने आप में इतना ज्यादा वीक है। तो शुक्र है कि चलो ये तो प्रॉब्लम, क्योंकि थर्ड वेव आने तक वाकई में जिस तरीके से खान सर बता रहे थे वैसे मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब सब चीजें नॉर्मल हो जाए, बट ऑब्वियसली इसको एक टाइम लगेगा, जैसे वो बता रहे थे कि अक्टूबर सितंबर तक अगर आती भी है तो उस टाइम पर काफी सारे रिसोर्सेज होंगे, काफी सारे लोग जो है उनको वैक्सीनेशन मतलब उनको मिल चुकी होगी, और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो है जैसे कि बोला जाता है कि अगर आपको एक मरतबा कोरोना हो जाता तो आपकी बॉडी को पता होता है कि आपको किस तरीके से यू नो मैनेज करना है, हैंडल करना है इसके साथ, तो वो चीजें भी बहुत सारे लोगों में होंगी, तो मेरा ख्याल में इम्यूनिटी लेवल भी लोगों का बहुत अच्छा होगा, बेसिकली आपकी बॉडी जो है वो उससे लड़ना जो है वो सीख जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पे जो खान सर ने बात की कि जो है बड़े शहरों से ही छोटे शहरों में कोरोना गया, तो ये वाकई एक हकीकत है, ये बात मैं भी इनसे डिस्कस करता हूँ कि मैंने जो चीजें पढ़ी हैं उसके मुताबिक यही कि शहरों में जब फैलना शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, लोग अपने घरों में गए, तो फिर उसके कारण जो रस्ते में जिन लोगों इन्फेक्टेड था वो रस्ते में जो है वो फैलाते गए, जैसे जैसे खान सर ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था खुला सांड, नो डाउट जिस शख्स को है वो वाकई इसी तरह है कि उसका मुंह जिस साइड पे है उसने उसी साइड पे चले जाना है, और वहां पे रस्ते में आने वाले जो जो लोग हैं उसने उसे उड़ाते जाना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन एक चीज जैसे कि मुझे खान सर की बात वाकई में अच्छी लगती है, जैसे कि लास्ट वीडियो की लास्ट में सोनू सर ने भी बोला कि वो काफी ज्यादा ओपिनियन भी अपनी देते हैं, जो उनको अच्छा लगता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में हम लोग जितनी आसानी के साथ अपनी ओपिनियन दे देते हैं और हम लोग सोल्यूशन दे देते हैं, लेकिन चीजें उतनी आसानी से हो नहीं पाती, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे सिस्टम की, कि अगर कुछ लोग विलिंग होते हैं उस काम को बहुत अच्छे से करने के लिए तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि बहुत सारे लोगों की टांगे वो अड़ा लेते हैं ताकि काम कंप्लीट उस तरीके से ना हो, तो हमारे लोगों की ये बड़े मुझे लगता है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि हम जब डेवलप्ड कंट्रीज को देखते हैं ना हम लोगों को बहुत खुशी होती है, हम कहते हैं कि भाई हमारे मुल्क में भी ये सुविधा होनी चाहिए, फलाना होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, लेकिन जब उस पर अमल करने की बात होती है ना वही लोग जब उसके हक में होते हैं वही लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं, ये चीज वाकई यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अब देखें एक मुल्क में अगर तरक्की आपको चाहिए तो आपको बहुत सारे जो है ना वो कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं। अब अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज की बात करें वो ऐसे ही डेवलप नहीं होगी, उन्होंने बहुत ज्यादा कठिनाइयां देखी हैं फिर कहीं जाके वो जिंदगी में यानी कि डेवलप हो सके हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक बात करें ना, एक नाली भी पक्की करनी हो ना उस पर भी बड़े सारे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होते हैं कि हाँ भाई करानी है, हाँ सिग्नेचर चाहिए वही ना, करानी है नहीं करानी। इवन कि हमारे यहाँ पे तो इस तरह भी होता है इंडिया का, तो क्योंकि अभी जो इंडिया के जो है मिनिस्टर नितिन जी वो तो काफी तेजी से काम करवा रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे अपने रोड्स की बात करें तो एक रोड बनने के लिए पहले उस पर क्या होता है उस पर वो आके ब्लेड मारकर जाते हैं, वो फिर भी महीना पड़ा रहता है, फिर उसके ऊपर आके मिट्टी और वो रोड़े शोड़े डाल के चले जाते हैं, फिर कोई 5-6 महीने पड़े रहते हैं, फिर उसके ऊपर आके वो लेंटर डाल जाते हैं, यानी कि वो तार को डाल देते हैं, रोड का लेंटर डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि दूसरे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे वो जिन्होंने पाइप डालने होते हैं फिर उन्हें याद आता है कि भाई फलानी जगह पे तो हमने पाइप डालना था हम तो भूल गए, वो फिर आके वो सड़क तोड़ के निकल जाते हैं, फिर वो सड़क बेचारी वहीं की वहीं रह जाती है। वेल मैं ये कहूंगी कि अगर एक आम आदमी के पास सोल्यूशन होते हैं तो डेफिनेटली जो लीडर्स होते हैं उन्होंने पूरी दुनिया घूमी होती है, डिफरेंट लोगों से मिले होते हैं, तो मुझे लगता है उनके पास और ज्यादा सोल्यूशन होते हैं और होने को सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कि सिस्टम कितना अच्छा है वो बहुत मायने रखता है। यहाँ पे मैं वही आपकी बात कहना चाहूंगा कि हम लोग अपनी ओपिनियन दे देते हैं, ओपिनियन देना बहुत आसान है, लेकिन जो लोग बैठकर काम कर रहे हैं उन्हें कितनी मुश्किलात हैं, क्या कुछ उन्हें फेस करना पड़ता है एक साइन करवाने के लिए, एक सड़क बनवाने के लिए, वो वही जानते हैं। उसकी रीजन क्या है कि सिस्टम नहीं सही, सिस्टम जो है वो इस तरह जो है वो
वो अंदर से उसे दीमक लगा हुआ है ना कि वो हर बंदे का अपना अपना दीमक है बस। वेल और लास्ट वीडियो के लास्ट में जैसे कि बात की गई, सोनू सर की तरफ से एक मैसेज आया कि मैं बहुत खुशी होती है जब आपको कोई इस तरीके से अप्रिशिएट करता है, सही बात है। बड़ी सेलिब्रिटी और खान सर मुझे काफी ज्यादा यू नो ऐसे हेजिटेट होकर बात कर रहे थे तो मुझे काफी ज्यादा फनी लग रहा था, बट ये कि बहुत अच्छा लगा ये देखकर क्योंकि वो वाकई में बहुत अच्छे टीचर है। टीचर के लिहाज से बात की जाए ना तो खान सर वाकई में मैं कहूंगी कि डिफरेंट तरह के टीचर हैं जो कि बहुत अच्छा समझाते हैं। एक मतलब हम लोग जितनी भी वीडियोस देखते हैं मुझे प्रशांत सर भी बहुत अच्छे लगते हैं, उनका जो बात करने का तरीका या समझाने का तरीका होता है मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो एक टॉपिक पे पूरा कंप्लीट आपको बता देते हैं और बहुत उसको समराइज करके बताते हैं। मैं अगर आज के टाइम जो हम वीडियोस देख रहे हैं उसमें मुझे खान सर इनका एक पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, फिर प्रशांत सर इनका जो बताने का तरीका बहुत अच्छा है, फिर उसके बाद स्टडी आईक्यू में जो हमने एक ही शख्स की दो तीन वीडियोस देखी हैं उनका भी स्पीकिंग स्टाइल बहुत अच्छा है। बिल्कुल, और मुझे से बाकी सारे अपनी अपनी जगह हाँ, सब बहुत अच्छे हैं लेकिन सुनने का आपको बहुत मजा आता है। बिल्कुल, तो ये उनमें से हैं, बट एनीवे ओवरऑल काफी अच्छी वीडियो थी और जो सोल्यूशन खान सर ने दिए वो वाकई में सोचने वाले हैं। और इसके अलावा हम कहेंगे कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वैक्सीन जल्दी से जल्दी लगवाएं जिसका नंबर आ रहा है, क्योंकि वैक्सीन के लिहाज से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं पर मैं बाकी में खान सर के साथ अग्री करूंगी कि जो लोग इतनी हैसियत रखते हैं कि वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो बाकी में अफोर्ड करें, उनको फ्री में नहीं लगनी चाहिए क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट पर एक बर्डन होता है, एक्स्ट्रा बर्डन होता है। उनकी जगह पर बहुत सारे दूसरे लोगों का भला हो सकता है या बहुत सारे और कामों में वो पैसे। और मैं अगर यहाँ पे बात करूँ ना, हमारे यहाँ पे मोस्टली यही देखने में आता है जो पावरफुल तबका होता है ना वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने लिए आसानियां बहुत जल्दी पैदा कर लेते हैं जबकि गरीब जो है वो वहीं में मुंह देखता रह जाता है। पाकिस्तान और इंडिया की सिचुएशन तो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। पाकिस्तान में तो चीजें इतनी ज्यादा मिलती ही नहीं है, गरीब आदमी तक तो जाती नहीं है उतनी जल्दी। इंडिया में तो हम लोग बिल्कुल एक डिफरेंट सिस्टम अभी देख रहे हैं। लिए तो थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी। आप क्या सोचने के बारे में जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और हमें ज्यादा हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर। गुड बाय।